अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारी फ्रॉक प्लेट वाली बनाएंगे। फ्रॉक बनाने का पूरा तरीका, कटिंग और स्टिचिंग का जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है, तकरीबन कोई 1.5 मीटर है और 5-6 साल के बच्चे की फ्रॉक बनेगी। इसको हमने प्लेट वाली फ्रॉक बनानी है। मैं एक बात हमेशा आपसे करती हूँ कि जो घर में बचा हुआ कपड़ा है उसको फेंकना नहीं। ये मेरे पास किसी शर्ट से बॉर्डर उतरा था, इससे मैं आज डिज़ाइनिंग करूँगी और देखें, आप खुद अंदाज़ा करें कि ये कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग होगी। मुझे फ्रॉक की जो है लंबाई जो है मुझे 29 इंच चाहिए। फ्रंट साइड को अलग कर लेना है। ये लंबाई जितनी हमारे पास चौड़ाई है उसको पूरा ही हमने रख लेना है। इसको एक साइड पे रखें। आगे वाले हिस्से को हमने यॉक जो है उसको हमने 8 इंच रखा है। जितने हमारे पास कपड़े की लॉन की चौड़ाई थी सारे ही हमने रख लिए है। नीचे हमारे पास यॉक का कपड़ा है और नीचे जो है हमारे पास नीचे वाला हिस्सा है फ्रॉक का, इस पे हमने 4 इंच पे हमने प्रेस के साथ निशान लगा लिए है। इसके बाद हमने सेंटर में से 3 इंच डबल 6 हो जाएगी, 3 इंच छोड़ के देगा, उसके बाद 3 इंच, उसके बाद 3 इंच, उसके बाद 3 इंच, 3-3 इंच के साथ हमने प्रेस के साथ अपने निशान लगा लिए हैं। अगर कपड़े का रंग हल्का हो तो आप पेंसिल के साथ लगा सकते हैं, इसलिए कपड़े का रंग ब्लैक है तो मैं इसलिए प्रेस के साथ ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर। ये मैंने 3 इंच के हिसाब से निशान लगाए हैं। 2-2 इंच हमने इस तरह 1 इंच और डबल करके 2 इंच इतना हमने प्लेट डालना है और हमने कुल जो है 4 इधर वाली साइड पे, ये सेंटर है हमारा, 4 इधर वाली साइड पे 8 प्लेट डालने हैं। 2-2 इंच के हिसाब से 16 इंच वो हमारा लगेगा कपड़ा, 16 इंच हमारा बकाया बचना चाहिए। पहले आपने हिसाब कर लेना है कि कितने चुनट हमने कितने चौड़े डालने, कितना हमारे पास कपड़ा रहेगा। हमारे पास ये 32 इंच कपड़ा है, 16 इंच मैंने चुनट पर लग जाएगा और 16 इंच जो है वो यॉक के साथ जोड़ने के लिए रहेगा हमारे पास। ये हमने 1 इंच के हिसाब से हमने डालना है। अगर तो आपको खदशा है कि आगे पीछे ना हो तो आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ ये मैंने 1 इंच के हिसाब से अपना निशान लगा लिया है। ये एक साइड के चुनट हमारे मुकम्मल हो गए हैं, अब इधर वाली साइड पे चुनट डाल दें। ये हमने 4-4 प्लेट दोनों साइड्स पे डाल लिए हैं। ये अब सेंटर है हमारे पास, इसको सिलाई लगा लें ताकि हमारे प्लेट आगे पीछे ना हो।
ये इसका सेंटर है, अब इसके साथ अटैच करते हैं जॉ के साथ। ये हमने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसकी गले की और बाजुओं की कटिंग करते हैं। फ्रंट वाली साइड पे हमने प्लेट डाल लिए हैं। अगर तो हमने बैक साइड पे भी इसी तरह प्लेट डाले हैं तो ठीक है, फिर तो कटिंग का कोई मसला नहीं। अगर नहीं डाले तो फिर हमने जितना कपड़ा नीचे फ्लेयर का है उसके हिसाब से हमने कपड़ा लेना है और उसको इस तरह तरीके से रख के इसकी हमें जितनी कटिंग चाहिए वो हमने लेनी है। हमें कटिंग चाहिए 12 इंच, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। नट के थ्रो के हिसाब से हमने कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करके नीचे वाला जो हमारा दामन है इसको भी इसी तरह हमने कटिंग कर लेना है। फ्रंट वाला गला काटते हैं। तीन इंच लेना है, थोड़ा सा और डीप करती हूँ। इसी तरह हमने इसी थ्रो के साथ बैक इंच काट लेनी है। बैक साइड पे हमने जिप लगानी है। फ्रंट वाली साइड के जो बाजू होते हैं इनको थोड़ा सा डीप करना होता है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा है का ये वाला बॉर्डर जो है अलग कर लेते हैं। ये हमारा फिर भी बॉर्डर बच गया है, ये किसी और शर्ट पे यूज हो जाएगा। फ्रंट पे हमें पट्टी लगाने के लिए चाहिए कपड़ा। केपी को कट करते हैं तकरीबन 1 इंच। इसको कपड़े पे लगाते हैं इस तरह। इस तरह हमने पट्टी अपनी बना ली। ये हमने अपनी चेपी एडजस्ट कर ली है कपड़े के साथ। इसको हमने यहाँ से फोल्ड भी कर लिया है, निशान लगा लिया। इधर से हमने अब सिलाई लगानी है। इधर से ये सिलाई लगा के मैंने सीधा कर लिया इसको। ये हमारी फ्रंट साइड है, यहाँ हमने ये पट्टी लगानी है अपनी।
इस तरह फोल्ड कर दें इसको। ये अपनी पट्टी पर बॉल्स लगाते हैं। ये हमने पट्टी पे अपने, अगर आपके पास बटन है तो बटन भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास टसल है तो वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ भी हमने यही बॉल्स लगाने हैं मुख्तलिफ कलर्स के। यहाँ चारों जो हमने चौनट डाले हैं, प्लेट डाले हैं, 1, 2, 3, 4 और इधर भी 4 लगाने हैं। बिल्कुल इसी तरह सुई के साथ इनको अटैच करते हैं। ये मैंने जिप के लिए चेपी काट के उसको कपड़े पे फिक्स कर लिया है। अब इसको बैक साइड पे शर्ट के साथ अटैच करते हैं। से इसको कट करें। फोल्ड करके अब इसके नीचे जिप लगाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जिप लग चुकी है। अब शोल्डर की सिलाई लगाते हैं। ये मैंने बीड्स जो हैं चुनट पे बॉल्स जो थे वो लगा ली हैं। ये बॉल्स बाज़ार से बहुत सस्ते मिलते हैं, तकरीबन 5 रुपए की 1 दर्जन मिलती है और ये हल्के होते हैं। लॉन के सूट के लिए ये बहुत बेस्ट है। दोनों साइड्स पर मैंने अटैच कर ली हैं 4-4 बॉल्स। अब गले को और बाजुओं को मगजी लगाते हैं। मगजी मैंने येलो कलर की लगानी है और इसको कट करने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इसको सेंटर में से तिरछा कपड़ा हमने लेना है। ये बाजुओं और गले की मगजी मैंने कट कर ली है। बैक साइड से हमने मगजी लगानी है। शर्ट को उल्टी कर लिया। ये हमने बहुत ही प्यारी अपनी बाजुओं को और गले को मगजी लगा ली है।
ये प्रोफेशनल तरीके से जब भी हम बेबीज़ फ्रॉक सिलाई करें तो प्रोफेशनल तरीके से सिलाई ये मगजी की लगाएं, बैक साइड से ऊपर वाली साइड को। अब हमने जो बॉर्डर है हमारे पास, इसको एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया है और उल्टी साइड से हमने शर्ट को उल्टा रखा इस तरह, और सीधी साइड से हमने इसको मोड़ना है। सीधी साइड से इसको इस तरह फोल्ड करना है। इस बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ सिलाई लगानी कॉर्नर पे। कपड़े सिलाई करते वक्त एक बात का जहन में रखना है कि जिस तरह का कपड़ा हो हमने धागा वही कलर का यूज़ करना है। ये नहीं करना कि काला धागा टड़ा है इसको भी काले से लगा दें, कपड़े की सारी इनफास्त गारत हो जाती है। अब इसको हम सिलाई लगाते हैं साइड्स वाली। अगर हमने आगे वाली साइड पे बॉर्डर लगा लिया तो बैक साइड जो लंबी होती है उसके आपने ऊपर बॉर्डर नहीं लगाना, तो इसको हमने फोल्डिंग करते वक्त इस तरह लगानी है सिलाई। ये देखिए, ये हमारी फिर ना सिलाई जो है साइड वाली नज़र नहीं आएगी। हमारी फ्रॉक बहुत ही प्यारी तैयार हो चुकी है। पट्टी देखें ज़रा, डिज़ाइनिंग, और ये हमारा बॉर्डर। आप सोच लें, देख लें, थोड़ा सा कपड़ा था हमारे पास जिसे हमने डिज़ाइनिंग की है। छोटे बच्चों के कपड़े बनाने इंतहाई आसान है क्योंकि कपड़ा बहुत कम यूज़ होता है। जो कपड़ा आपके पास होता है उसको फेंका मत करें, वो बच्चों के कपड़ों पे छोटे छोटे डिज़ाइनिंग करें। अगर हमारी ये फ़्रॉक आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।